Hello students, so today I will be teaching you English for standard 8 and this poem is basically very much interesting because it deals with how to live a very much happy life, forget all those negative things and lead a positive life. So the name of the poem is A Time to Believe. Okay, अभी ये जो poem है ये लिखा है विजय मॉडरेट सर। विजय मॉडरेट सर ये कोई ऑथर नहीं है, एक कॉमन आदमी है जिसने अपने जो पॉजिटिविटी है उसको स्प्रेड करने के लिए पोएम लिखा है ये टाइम टू बिलीव और उसको पब्लिश किया ताकि लोगों को और लोगों के अंदर भी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सके। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं ये पोएम में क्या लिखा है। टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, यू शुड ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। ये देखो अभी जो पहला स्टैंजा है ये बहुत ही सुंदर स्टैंजा है क्योंकि इसमें बोला है कि जो हम लोग अपने आप को जो बिलीव करते हैं ना वो बिलीव से हम लोग क्या कर सकते, बिलीव से क्या हो सकता है कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग अपने पास्ट को लेके फ्यूचर को बर्बाद करते हैं, लेकिन हम लोग अगर हम लोग के अंदर सेल्फ बिलीव है तो हम लोग जो पास्ट है उसको भूल जाएंगे और फ्यूचर पे फोकस करेंगे। क्या है ना आजकल की दुनिया में लोग जो है ना वो ज्यादातर पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो लोग प्रेजेंट पे कभी रहते नहीं। मतलब प्रेजेंट का जो प्रेजेंट वक्त जो है ना उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्टैंड है बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैंड है, बहुत ही मीनिंगफुल है। इसमें क्या है कि इस टू ट्रस्ट मिरेकल्स हैपन एंड रियली कम ट्रू। आई बहुत से जन बोलते हैं कि बहुत से जन का यही मानना है कि अभी बोले कि मेहनत करके क्या मिलता है, मेहनत करने से थोड़ी ना हमेशा सक्सेस ही मिलता है, लेकिन अगर अपने आप में बिलीव रहेगा ना मिरेकल्स यानी कि जब हम लोग बोलते हैं दूसरे शब्द में बोलते हैं चमत्कार, तो चमत्कार भी हम लोग हमारे साथ भी होने लगता है। मतलब कि क्या है ना अगर हम लोग मेहनत करते हैं ना तो लक भी हम लोग का भी साथ देता है। इसमें हम लोग को लक के बारे में बताया और ड्रीम्स रियली कम ट्रू अगर हम लोग ने, और ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रीम्स रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ड्रीम मतलब कोई भी एक आदमी रहेगा जो मतलब कोई भी एम्बिशन नहीं रखा होगा वो जिंदगी में आगे बढ़ने की कोई सोच नहीं पाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट में आते हैं। To believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of starless sky and the wisdom of the man who knew. अभी देखो इसमें हम लोगों को सिर्फ लॉजिकली नहीं सोचने का कि मेहनत करो सक्सेस मिलेगा, ये करो साइंटिफिकली सब कुछ सोचने जाएंगे ना, मीन्स हम लोग अगर फैक्ट के बेसिस पे सोचने जाएंगे ना कि हर चीज को हम लोग फैक्ट से जोड़ दे तो फिर हम लोग को कुछ कड़वे सच्चाई हम लोग के सामने आते हैं जो हम लोग सहन नहीं कर पाते। इसके लिए थोड़ा सा ना क्रिएटिविटी के लिए हम लोग को इमेजिनेशन का भी जरूरत पड़ता है। इमेजिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एंजल्स डांसिंग इन द क्लाउड्स मींस इट्स जस्ट अ वंडरिंग पार्ट दैट एंजल्स आर डांसिंग इन द क्लाउड्स मींस यू फील द ब्यूटी ऑफ द क्लाउड्स एंड द वंडर ऑफ अ स्टारलेस स्काई मींस इफ यू सी अ स्काई फुल ऑफ स्टार्स दैट टाइम यू विल सी व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज बिकॉज़ इट इज जस्ट अ वंडरस साइट दैट nobody tends to forget it quickly. And the wisdom of the man in moon. The wisdom of the man in moon मतलब क्या होता है कि इंसान जो चांद पे गया उसमें जो क्या बोलते हैं उसमें जो यकीन रखना कि सच में इंसान चांद पे गया, हालांकि वो फैक्ट कि चांद पे लोग गए हैं एक्चुअली, लेकिन फिर भी मतलब कि हम लोग के जो दादी या फिर दादाजी उनको जो फेयरनेस रखना बोलते हैं ना कि चांद पे रहता था एक खरगोश, वैसे लगता है इसमें बताएगा। ठीक है, to believe is to know the value of a nurturing heart, the innocence of a child's eyes, and the beauty of an aging hand. For it is through their teachings we learn to love. अभी ये जो स्टैंजा है ये हम लोग को पेरेंटल लव के बारे में बताता है। इसमें पता है कि हम लोग को नर्चरिंग हार्ट मतलब कि पेरेंट्स जो हम लोग के हार्ट को एकदम बहुत ही केयरफुली संभाल के रखते हैं, मतलब कोई भी डिफिकल्टी कोई भी ऑब्स्टेकल से पाला नहीं पड़ने देते, तो उसका जो वैल्यू है मतलब उनका जो केयर हम लोग के प्रति जो केयर है वो हम लोग को वैल्यू करना सीखना चाहिए। ठीक है, और इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड साइंस मतलब कि थोड़ा सा बच्चा है जो हम लोग उसके जो आंखों में जो मासूमियत है उसको हम लोग को समझना भी चाहिए। ब्यूटी ऑफ एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड। एजिंग हैंड मतलब क्या बोलते हैं कि जिन लोग का एज हो गया मतलब बेसिकली इन लोग बोल रहे हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में उन लोग का जो ब्यूटी है मतलब कि उन लोग के जो नॉलेज है उन लोग के जो एक्सपीरियंस है ताकि तुम लोग फ्यूचर में कुछ अच्छा कर लोगे तो उसका भी कदर हम लोग करना चाहिए। फ्रॉम इट इज टू टीचिंग वी लर्न टू लव मतलब कि उन लोग की ही टीचिंग से हम लोग को प्यार करना सिखाता है, मतलब दूसरों से प्यार करना सबसे प्यार करना। एनिमल्स के साथ प्यार करना, इंसान के साथ प्यार करना, मतलब सबके साथ एक मतलब क्या होते हैं, एक पॉजिटिवली रहने का संदेश देते हैं हमें का। टू बिलीव इज टू फाइंड स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विदिन अस एंड इट्स टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन। ये क्या है, ये है ना कि स्ट्रेंथ और करेज, हम लोग के अंदर का जो स्ट्रेंथ, हम लोग के अंदर का जो करेज है, वो जो हम लोग के वो उस पे हम लोग को फोकस करके आगे बढ़ने का है, ना कि हम लोग के अंदर जो कमियां है उसको लेके मतलब बोले कमियां को लेके बोले कि नहीं मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। इसको इसको ये जो कंप्लेनिंग और विनिंग बोलते हैं ना, विनिंग मतलब क्या है, बोलते कि हाँ ये मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये सब से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एट द लास्ट कोई भी ये सब देखने नहीं वाला है। ठीक है, ये कभी रिफ्लेक्ट होते हैं जब भी हम लोग सक्सेसफुल होते हैं, तभी वो बायोग्राफीज में रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन अभी ऐसे मतलब मेहनत करने के स्टेज में ये सब किसी को मैटर नहीं करता। अभी when it is time to pick up pieces and begin again, मतलब क्या हम लोग का जो पास्ट है, हम लोग को ऐसा नहीं कि पास्ट हम लोग भूल जाना चाहिए, मतलब कि पास्ट में जो बुरे हो उसको मैं रेक्टिफाई करके कैसे फ्यूचर में आगे बढ़ूं, उसके ऊपर फोकस करके, ना कि वो फ्यूचर, ना कि वो पास्ट का जो ये बुरे वक्त का, मतलब बुरे वक्त का हमेशा अफसोस करना ही क्या होता है, सक्सेसफुल बनना कहलाता है। ठीक है, टू बिलीव इज टू नो दैट वी आर नॉट अलोन, that life is a gift and this is our time to cherish it। अभी जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे से दुखी कोई नहीं है, मेरे जैसा अनलकी इंसान कोई नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, सबके अपने अपने डिफिकल्टीज होते हैं, उन लोग का प्रॉब्लम हम लोग से मैच नहीं करता है, लेकिन दर्द उन लोग का उतना ही होता है। लेकिन दर्द को ओवरकम करके कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वो मैटर करता है ज्यादा, ना कि वो दर्द से हम लोग और झूल से हमें एंड इन दी एंड खत्म हो जाए। ये एक्चुअली और मन में क्या बोला है, लाइफ इज अ गिफ्ट एंड ट्राई टू चेरिश इट। लाइफ एक गिफ्ट से कम कुछ नहीं है, क्यों लाइफ एक गिफ्ट है, मतलब कि भगवान की देन है, क्योंकि बोलो लाइफ लेना आसान है लेकिन लाइफ बनाना बहुत मुश्किल है। लाइफ बनाने के लिए सालों साल लगते हैं, लाइफ लेने में हालांकि 2 सेकंड लगते हैं एक किसी इंसान की जान जाने में, वो जो बहुत सारे साल की मेहनत है 2 सेकंड में मिट जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना लाइफ को बहुत सीरियसली ले लो, क्योंकि वो लोग ऐसा मत सोचो कि लाइफ अभी मतलब लाइफ अभी खत्म हो जाएगा, लाइफ खत्म होने के लिए लाइफ अपने टाइम नहीं खत्म होगा, उसमें कुछ किसी का भी हाथ नहीं है। लेकिन जाते जाते आप कुछ ऐसा करके जाओ ताकि आपको लोग याद रखें, ये है ये स्टैंडर्ड का मेन मोटिव। और टाइम टू चेरिश इट मतलब क्या, हम लोगों ने टाइम है उसको हर एक टाइम को ऐसे यूटिलाइज करना पड़ेगा, जिससे करना चाहिए ताकि लोग हमको याद रखें अपनी हमारी मेहनत से। ठीक है, टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच इफ ओनली वी बिलीव। अभी वंडरफुल सरप्राइज, अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे साथ बुरा ही होता रहेगा, मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा, ऐसा गलत है। लेकिन क्योंकि बुरे वक्त तो सबके लाइफ में होता है। और एक महान कॉमेडियन है, आप शायद से नाम जानते हो उसका, चार्ली चैपलिन, उन्होंने कहा था कि नथिंग इन लाइफ इज परमानेंट, नीदर द प्रॉब्लम्स, मतलब कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, प्रॉब्लम्स भी नहीं। ठीक है, मतलब कि प्रॉब्लम्स एक ना एक समय जाने वाले हैं, बस उसको टैकल करके उसको सहने का पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। अगर वो रहा और हम लोग ने प्रॉब्लम्स को टैकल कर लिया तो फिर सक्सेसफुल बनने से कौन रोक सकता है। ठीक है, and wonderful surprise just waiting to happen, मतलब कि सरप्राइजेस आने वाले हैं, मे बी आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो उसके बाद, लेकिन आने वाले। अच्छे वक्त आते ही सबके लाइफ में आते ही, ऐसा नहीं कि कोई मतलब ऐसा नहीं कि सब हमेशा बुरे वक्त के लिए पैदा होगा, एक अच्छा वक्त आता ही है। ठीक है, एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स इन रीच। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, नहीं ये मेरे पहुंच से बाहर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेहनत करोगे ना बराबर से तो सब कुछ अपने ही पहुंच में है। ठीक है, एंड इफ ओनली वी बिलीव, अगर हम लोग खुद पे यकीन रखेंगे ना, ये सब क्या है कि बेसिकली हम लोग को ये जो पोएम हमने पढ़ा ये बहुत ही मीनिंगफुल है और बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है। ये हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको जगाता है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसे हम लोग सीख लेके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना, ये हम लोग को ये पोएम अ टाइम टू बिलीव रिटन बाय विजय मॉडरेट से सिखाता है। सो अगर आपको कुछ डाउट रहा, अगर आपको कुछ मतलब समझ में नहीं आया, कोई लाइन समझ में नहीं आया, मे बी मेरा कुछ वर्ड्स जैसे मतलब क्लियर नहीं आ रहा या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए ताकि मैं आपको पर्सनली बता सकूं। ठीक है, और ऑब्वियसली ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, गुड बाय।